इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मोगा से अमृतपाल के 6 साथी गिरफ्तार किए गए हैं, अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल के गांव की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और पूरा पंजाब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पैरामिलिट्री फोर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। दोस्तों, आप इस शख्स को जरूर जानते होंगे और आपको पता है कि कुछ समय पहले किस तरीके से ये शख्स क्रिश्चियन लोगों को लेकर के और यीशु मसीह को लेकर के बहुत ज्यादा विवादित बयान पंजाब के अंदर दे रहा था, जिसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ चुका था और क्रिश्चियन लोगों ने रोड पर उतर करके बहुत ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट किया था कि ये हमारे बारे में गलत बातों को ना बोले और पास्टरों को, जो पास्टर गाँव के अंदर प्रचार करने जाते हैं, उनको मारने पीटने की सलाह ये शख्स दे रहा था कुछ समय पहले तक कि कोई भी तुम्हारे गाँव के अंदर प्रचार करने ना आए, यीशु मसीह का इस बात का ध्यान रखो। ऐसा इस शख्स का कहना था। दोस्तों, फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस शख्स ने एक बात और बोली थी कि सिख लोगों के साथ जो भिड़ा है वो कभी भी बचा नहीं है। और मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर एक बात बोली थी, जिसने आज तक यीशु मसीह के साथ बैर किया है वो भी बचा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब ये शख्स बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका है। इसने यीशु मसीह को गलत बोला, क्रिश्चियन लोगों ने माफ किया और क्रिश्चियन लोग भूल गए, लेकिन जिसको इसने गलत बोला वो नहीं भूला और अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। दोस्तों, इस शख्स ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं, खालिस्तान का बहुत जोरों से समर्थन किया और समर्थन करते करते दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट से पंगा लिया और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस शख्स के ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है। मैं आपको बता दूं, जहां पर ये शख्स रहता है, जिस पिंड के अंदर, जिस गांव के अंदर, पंजाब के अंदर ये रहता है, दोस्तों जितने वहां पर लोग नहीं है, जितने वहां पर वोट भी लोग नहीं डालते हैं, उससे ज्यादा दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर गवर्नमेंट ने लगा दी है इस शख्स को उठाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस शख्स को उठाने के लिए इतनी फोर्स लगा ही दी है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी ऐसी लीक्स है जो हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक भी बहुत सी ऐसी न्यूज है जो कि ये बता रही है कि ये भगोड़ा साबित कर दिया गया है, ये भाग चुका है और गवर्नमेंट से बचता फिर रहा है ये शख्स। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर से इसने पंगा लिया था, वो परमेश्वर इसके वजूद को खत्म करने की ताकत रखता है। और अब आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस अमृतपाल सिंह के चलते दोस्तों इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए दोस्तों सरकार ने 3 दिन के लिए वहां पर नेट तक बंद कर रखा है पंजाब के अंदर। मैं आपको बता दूं, 2 दिन से नेट बंद है, आज के दिन भी दोस्तों नेट बंद है पंजाब के अंदर, बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है कि इस शख्स को उठवाने के अंदर सबसे बड़ा हाथ है भगवंत मान का और उसके साथ साथ अमित शाह का। मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही शख्स नहीं है जिसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है। आज तक जिसने भी परमेश्वर के साथ पंगा लिया है दोस्तों, जो भी यीशु मसीह के बारे में आज तक बोला है, या तो उसने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया, अगर उसने यीशु मसीह को नहीं जाना और वैर रखा, वो खत्म हो गया दोस्तों। अब बाइबल के अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, कितनी जगह पर जहां जहां पर परमेश्वर के साथ जिन लोगों ने वैर रखा, उनको परमेश्वर ने खत्म कर दिया, उनके वजूद को खत्म कर दिया। बाकी दोस्तों, आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय को बताएं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जीवन के हर मोड़ पर ढूंढो तुझको मैं सदा, जीवन के हर मोड़ पर ढूंढो तुझको मैं।